देखिए अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ सारे जात के देवी देवता विराजमान है। अयोध्या में ट्रस्ट बनने के लिए घोषणा कर दी गई, बड़ी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने जो काम किया है उनको हम स्वागत योग्य है, हम चाहते हैं उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। उन्होंने मस्जिद की भी जमीन तीन ग्रह चिन्हित कर दिया, मस्जिद का भी काम हो, मंदिर का भी काम हो। हम तो चाहते हैं कि अयोध्या में सौहार्द होना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है, यहाँ सारे जात के देवी देवता विराजमान है। बड़ी अच्छी बात है कि अयोध्या में ट्रस्ट बने, मंदिर का काम शुरू हो, मस्जिद की भी जमीन चिन्हित की जाए, उस पर भी जो है हमारा भी एक जो है अयोध्या में सेवा करने का एक महत्व भी है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में अगर हम मंदिर जो है मस्जिद बनाएंगे तो स्कूल भी बनाएंगे और धर्मशाला भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे। हिंदुओं के लिए कोई धर्मशाला अयोध्या में फ्री का नहीं है। हमें चाहते हैं अगर हमें मस्जिद के लिए जमीन दी जाती है तो अयोध्या में हम हिंदुओं के लिए भी धर्मशाला फ्री का बनाएंगे, इससे गरीब यात्रियां जो है उनको रहने का इंतजाम हो सके। अभी देखिए जमीन कहाँ मिल रही है, कहाँ दे रहे हैं, ये बात अभी चिन्हित नहीं है। हमने इससे पहले भी कहा था कि जमीन हमारे घर के पास है, वहाँ मस्जिद भी है, मकबरा भी है, हमने अपनी मांग उठाई है। देखिए अभी जमीन जो हमको बताया नहीं गया, उसके बाद हमारा क्या प्लान होगा। अयोध्या का घर जो है बहुत दूर रहता है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस तरीके से अगर रहेगा तो उस पर हम जो है अपना काम करेंगे। अयोध्या के बाहर का कोई सवाल ही नहीं ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, हम देश के वफादार हैं, इसलिए कोर्ट का सम्मान, जो कोर्ट ने कहा है वही होगा, वही सरकार करेगी, हम सरकार के ऊपर निर्भर हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हमारी मांग तो है ही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही हम काम करेंगे।